बागेश्वर धाम सरकार ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक नई उपाधि से नवाजा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नरोत्तम मिश्रा को हिंदू बब्बर शेर बताया। उन्होंने कहा, मिश्रा हिंदू बब्बर शेर हैं और ये एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो सनातन धर्म के लिए अपने पद को भी दांव पर लगा सकते हैं। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ गृह मंत्री की सख्त आपत्ति के बाद फिल्म निर्माता ने आदि पुरुष फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हिंदू बब्बर शेर हैं। वे ऐसे गृह मंत्री हैं जो हिंदू सनातन धर्म के लिए अपने पद को भी दांव पर लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री मिश्रा सनातन धर्म के लिए सीना ठोक कर बोलते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों 5 दिवस हनुमत कथा के लिए भिंड के दंदरुआ धाम में आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। जिस प्रदेश का गृह मंत्री भारतीय सनातनी संस्कृति का उपासक हो, भारतीय सनातन के संतों का उपासक हो, भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने छाप को, अपने पद को दांव पर लगाने की क्षमता रखता हो, वो बब्बर शेर ही हो सकता है। हो सके तो आप लोग भी ये काम करिए। अगर आप लोग भी भारतीय सनातनीय संस्कृति के हो, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।